लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कांग्रेस अपने पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा ना होने का रोना रो रही है। इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनसे 1700 करोड़ रुपए की वसूली का नया नोटिस भेजा है। आपको पिछले हफ्ते हुई कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने आरोप लगाया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खाते फ्रीज कर दिए हैं और उनके पास चुनाव प्रचार के लिए पैसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब इससे बड़ी मुसीबत में फंस गई है। आयकर विभाग ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कांग्रेस पार्टी से 1700 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। ये डिमांड नोटिस साल 2017-18 से 2020-21 के लिए है। 1700 करोड़ रुपए की राशि में जुर्माना और ब्याज शामिल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस ने लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की परेशानी और बढ़ा दी है। कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2017 से 2021 के लिए आयकर विभाग के जुर्माने की दोबारा जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत कांग्रेस की याचिका खारिज कर चुकी है। इसके बाद कांग्रेस को 1700 करोड़ की वसूली का नोटिस भी भेजा गया है। अब कांग्रेस को पिछले 3 सालों की आय का पूरा हिसाब देना होगा। कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि आयकर विभाग की कार्यवाही गैर जरूरी और लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के दौरान मुख्य विपक्षी दल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जांच से नहीं रोका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही कांग्रेस के दिल्ली में स्थित बैंक खातों से 135 करोड़ रुपए वसूल चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के कई राज्यों के दफ्तरों में छानबीन की थी, जिसमें उसे कैश के जरिए पैसे के लेन देन के सबूत मिले थे। जिन लोगों और दफ्तरों पर छापे पड़े थे, उनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी भी शामिल थे। आयकर विभाग का कहना है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और एक कंपनी के साथ कांग्रेस पार्टी के लेन देन की बात सामने आई है। 3 कांग्रेस के बड़े नेता भले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और संवैधानिक संस्थाओं पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बीच कांग्रेस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नोटिस ने शिकंजा और कस लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।